नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर। कांगड़ा के इंदौरा में सरेआम चली गोलियां, मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे उद्योग मालिक, गाड़ियों के टायर फटे। लगातार दूसरे साल रेट न मिलने से सिरमौर के गिरिपार के लोग तंग, कोरोना के कारण बाहरी मंडियों में अदरक की फसल नहीं भेज पाए किसान। कांगड़ा के त्यारा डिस्पेंसरी अपग्रेड करने के जयराम मंत्रिमंडल के फैसले पर जमकर झूमे लोग, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर बांटे लड्डू। कांगड़ा के इंदौरा में बेकाबू लपटों ने डरा दिए लोग, जंगल और पराली में भड़की आग से सब कुछ स्वाह। आनी में पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों के लिए सजा प्रशिक्षण शिविर, नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान पर दिए टिप्स। कांगड़ा के इंदौरा में लापरवाही का सबसे बड़ा मामला, गौशाला में रखा 542 बोरी सरकारी सीमेंट हुआ खराब, पूर्व प्रधान से 2.25 लाख की रिकवरी। कुल्लू के सैंग में पार्वती परियोजना ने NHPC आवासीय परिसर के पार्क पर लगाए झूले, बच्चों के लिए बनाया शानदार पार्क। नालागढ़ में उपमंडल प्रशासन कल से छिड़ेगा टीकाकरण महोत्सव, 15 अप्रैल को निकलेगा लकी ड्रॉ, 11,000 मिलेगा नकद इनाम। बिलासपुर में पंचायत प्रतिनिधियों को विधायक सुभाष ठाकुर ने दिया सम्मान, पंचायती राज सिस्टम पर भी दिए टिप्स। करसोग से हरिजन शोपा मशोक सड़क के लिए 8 लाख मंजूर, एम्बुलेंस रोड की बदलेगी सूरत। कांगड़ा के ज्वाली में बैठक के दौरान 70 साल से ज्यादा की उम्र के पेंशनर नवाजे, सरकार से उठाई पंजाब की तरह वेतन और भत्ते बढ़ाने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन पर सुजानपुर शहर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू, जोरदार नारों से गूंज उठा शहर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन पर सोलन में जश्न, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोग अस्पताल चंबा घाट में मरीजों को बांटे फल। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां नैना देवी की नगरी में बनेगा शीशे का पुल, जिलाधीश रोहित जम्बाल ने दौरा कर लिया टूरिस्ट स्पॉट्स का जायजा। अब कोरोना पॉजिटिव छात्र बाद में दे पाएंगे 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाएं, एनुअल एग्जाम के बाद तय किया जाएगा पूरा शेड्यूल। चंबा के ऐतिहासिक सूही मेले का शनिवार को भव्य आगाज, पिंक पैलेस से निकली भव्य शोभ यात्रा, 3 दिन शाम धार पहाड़ी पर दर्शन देगा मां का चिन्ह। मंडी में NPS कर्मियों ने उठाई मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए 15 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना वादा निभाएं। कंडाघाट में लोगों को कोरोना से जागरूक रहने के लिए गाड़ी के जरिए प्रचार करेगा प्रशासन, शनिवार को 3 जगहों के लिए रवाना हुई गाड़ी। बिलासपुर के किसानों के लिए गुड न्यूज, पशुपालन विभाग 200 खेतीहरों को फ्री में बांटेगा चूजे, स्वरोजगार को दिया जाएगा बढ़ावा। हरिद्वार में हिमाचल सदन के लिए जमीन मुहैया करवाने को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के सीएम को लिखी चिट्ठी, मांग पूरी होने की आस में मंडी ने मनाया जश्न। सूखे की मार से परेशान किसानों की मदद करेगी हिमाचल सरकार, कृषि मंत्री बोले टैंकरों से पानी मुहैया करवाने पर रहेगा फोकस। भोटा PHC में हुए कोरोना टेस्ट में 3 लोग निकले पॉजिटिव, 15 सैंपल में से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव। कांगड़ा के पंचुर्की में आवारा सांडों ने किया लोगों की नाक में दम, बाजार गलियों और चौराहों पर सरेआम लोगों पर कर रहे अटैक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।